हेलो फ्रेंड्स मैं शैम्पे और वेलकम करता हूं आप सभी का शैम्पेज गार्डन में दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं सुंदर से बेबी सन रोज़ के देखिए ये फ्लावर खिले हैं बहुत ही सुंदर सुंदर जैसे ही गर्मी तेज़ हुई है धूप तेज़ निकलनी शुरू हुई है तो बेबी सन रोज़ के फ्लावर्स खिलने स्टार्ट हो गए हैं अगर आपके पास भी बेबी सन रोज़ का प्लांट नहीं है तो इसे जल्द ही परचेज़ कीजिए लगाइए बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स देता है ये समर्स के अंदर तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक पर जो आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हर किसी को उस चीज़ की प्रॉब्लम आती है क्या होता है दोस्तों गर्मियों में हमारे बहुत से प्लांट्स सूख जाते हैं लीव्स पीली होकर गिर जाती हैं ज़्यादा गर्मी के कारण ज़्यादा धूप के कारण हमारे प्लांट्स बच नहीं पाते और बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं तो उसका क्या रीज़न होता है उसको कैसे क्योर किया जा सकता है वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा हम कैसे अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं समर्स में और कैसे हमें उसकी सॉइल तैयार करनी है हमें पोर्ट कैसे तैयार करना है अपना ऐसा पोर्ट आपको बचाने का तरीका बताऊंगा बनाने का जिससे कि आपका एक भी प्लांट समर्स के अंदर नहीं मरेगा और हंड्रेड मेरी गारंटी है अगर आप उस वे में अपने प्लांट्स को अपने पोर्ट्स को बनाओगे और प्लांट्स को रखोगे तो ज़रूर वो सर्वाइव करेंगे कोई लीव्स येलो नहीं होंगी कोई बर्ड्स फॉल नहीं होंगे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उस तरीके से और ये देखिए ये येलो कलर का मेरा बोगन मिलिया इसने अपनी ग्रोथ गर्मी के बढ़ते ही स्टार्ट कर दी है बहुत सुंदर सुंदर इसके पेटल्स आ रहे हैं न्यू तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए तो देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं कंटेनर गार्डनिंग की कंटेनर में हमें प्लांट किस तरह से लगाना है किस तरह से हमें अपने कंटेनर को प्रिपेयर करना है प्लांट लगाने के लिए ताकि हमारा प्लांट उसमें बहुत अच्छे सर्वाइव करे हमें उसको ऐसा एटमोसफियर देना है जिससे कि वो प्लांट को लगे कि मैं सॉयल में ही हूँ मैं ज़मीन में ही लगा हुआ हूँ उस तरह से उसको एटमोसफेयर देना है इस तरह से हमारा कुछ पोर्ट होता है चाहे वो आपके पास बड़े साइज का हो या छोटे साइज का इस तरह से वो कुछ पोर्ट होता है तो हमें उस पोर्ट को कैसे प्रिपेयर करना है वही आपसे मैं डिस्कस करूँगा जिससे कि हमारा एक भी प्लांट खराब ना हो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए छोटा सा एक पोर्ट लिया है तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये चेक करना है कि पोर्ट के नीचे ड्रेनेज होल हो और वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बहुत बढ़िया अच्छा सा बना हो ड्रेनेज होल बड़ा सा तो उसके अंदर हमने सबसे पहले सॉयल की जो लेयर लेनी है जो जिस हिसाब से बिछानी है वो देखना है हम सबसे पहले ले रहे हैं दोस्तों ये कुछ स्टोन्स कुछ ये टुकड़े जो मैंने पुराने पोर्ट के टूटे हुए टुकड़े लिए हैं आप ईंट के भी ले सकते हैं ये हमें अपने पोर्ट के नीचे एक लेयर बिछा देनी है इनकी इसका क्या यूज़ है दोस्तों ये पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है जब भी हमारा प्लांट जब भी रूट बाउंड हो जाता है या उसकी रूट्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो उसको पानी की एक्सेस नीड्स होती है तो वो उस सिचुएशन के अंदर पानी को इस स्टोन से इस पत्थर के टुकड़ों से वो ले लेता है ईंट के टुकड़ों से ब्रिक पीसीस से तो हमें सबसे पहले पोर्ट को ड्रेनेज होल को इन ब्रिक पीसिस से ऐसे कुछ एक लेयर बिछा देनी है इसको कवर कर देना है इस तरह से जिससे कि ड्रेनेज भी प्लांट की बहुत अच्छी हो जाएगी और वो मॉइस्चर भी रिटेन रखेगा क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण फटाफट से मॉइस्चर हमारे प्लांट में से गायब हो जाता है उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है हमें सॉइल की ऐसी लेयर्स बिछानी है ऐसी लेयर्स बनानी है जो कि मॉइस्चर को मेंटेन भी करें और लेकिन पानी को ड्रेन भी करें उसके लिए मैंने लिया देखिए ट्वेंटी फाइव परसेंट वर्मी कम्पोस्ट आप लीफ मोल्ड भी ले सकते हैं लीफ मोल्ड हो और डंग को मेरा कहना है कि आप समर्स के अंदर ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है वर्मी कम्पोस्ट लिया है ट्वेंटी फाइव परसेंट नॉर्मल गार्डनसल दी है ट्वेंटी फाइव परसेंट सैंड और ट्वेंटी फाइव परसेंट कोकोपीट ये चार हमारे मेन इन्ग्रीडियंट्स रहेंगे ये भी मॉइस्चर को बहुत अच्छा होल्ड करता है और ड्रेनेज को बहुत अच्छा बना देता है कोकोपीट इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है समर्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि प्लांट्स सूख जाते हैं पानी कमी के कारण तो इस पानी की कमी को ये दूर कर देगा बिल्कुल इन चारों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करके अपने पोट के अंदर लगा देना है और पोट को पूरा भरना नहीं है दोस्तों ये जो मैं बात कर रहा हूँ आउटडोर प्लांट्स की कर रहा हूँ जो कि फुल सन में हमारे प्लांट्स लगे रहेंगे सारी गर्मी उनके लिए ये बात कर रहा हूँ उनके लिए ये प्लांट तैयार कर रहा हूँ उनके लिए तैयार कर रहा हूँ अगर आप इंडोर प्लांट्स भी लगाना चाहें तब भी ये सॉयल मिक्सचर आप यूज़ कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके लिए उसके बाद हमें क्या करना है हमें सबसे ऊपर की लेयर जो तैयार करनी है वो हमारे पोर्ट की वो सबसे ऊपर हमें मल्चिंग की लेयर बिछानी है जिससे कि हमारे जो डायरेक्ट सनलाइट प्लांट्स के ऊपर पड़ती है पोर्ट्स के ऊपर पड़ती है और जो जितना पानी है गमले का वो इवेपोरेट हो जाता है बहुत ही जल्दी आपको दो टाइम पानी भी देना पड़ जाता है कई बार दिन के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर जब हाई चला जाता है लगभग पचास डिग्री के आसपास तो अगर आप मल्चिंग की ये लेयर भी छा देंगे तो उससे डायरेक्ट सनलाइट जो है वो पोर्ट जो अपनी उसके रूट्स के ऊपर नहीं गिरेगी और पोर्ट्स के ऊपर नहीं जाएगी जिससे कि सॉयल जल्दी ड्राई नहीं होगी और पानी वेपोरेट नहीं होगा और वो लॉन्ग रन तक इजी से वो सरवाइव कर जाएगा प्लांट तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा कुछ पोर्ट ये तैयार हो जाएगा और हमें ये ध्यान रखना है कि प्लांट लगाने के बाद हमें पोर्ट को बिल्कुल ऊपर तक पूरा गर्मी के अंदर नहीं फिल करना है उसके ऊपर एक से दो इंच की लेयर आपने छोड़ देनी है पानी देने के लिए ताकि आप खूब सारा पानी इसके ऊपर डाल सकें और ड्रेन होकर पानी नीचे जाने के बाद वो आराम से उसके अंदर से मॉइस्चर मेंटेन रह सके अगर आपके पास ये राइस हस्क नहीं है मैं राइस हस्क की लेयर लगा रहा हूँ ऊपर अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप ये शेल्स भी यूज़ कर सकते हैं कोकोनट के जो छिलका होता है ऊपर का वो यूज़ कर सकते हैं बनाना के छिलके या आप लीफ कंपोस्ट या लीफ मोल्ड या ड्राई लीव्स जो अपने गार्डन में से निकलती हैं वो सभी किसी भी चीज़ से आप मल्चिंग इसके ऊपर कर सकते हैं और इस तरह से लगाने के बाद प्लांट मेरी गारंटी है आपका एक भी प्लांट समर्स में नहीं मरेगा आप इसलिए प्लांट को लगाइए इस तरह से सॉयल के अंदर उसको पूरा एटमोसफेयर मिलेगा फॉरेस्ट वाला और बहुत बढ़िया से प्लांट चलेगा आपका और नमी उसको मिलती रहेगी और ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पानी का ख्याल भी नहीं करना पड़ेगा और एनर्जी भी प्लांट को इन्हीं चीज़ों से बहुत अच्छे से मिलती रहेगी होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फिर किस दिन मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नई वीडियो के साथ और वीडियो का एंड करते हैं सुंदर से समर स्नो के फ्लावर्स के साथ अगर इसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है आप उस वीडियो को देख सकते हैं बहुत ही समर्स का बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है ये रोज़ फ्लावर हैप्पी गार्डनिंग टेक केयर बाय